अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो कोरियन अल्फ़ाबेट पार्ट टू में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोरियन ज़ुबान सीखने के कुछ रूल्स पढ़े थे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और बेसिक कॉन्सनेंट पढ़े थे और स्टैंडिंग वावल्स पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम इन कॉन्सनेंट और इन वावल को जोड़ेंगे। एक कॉन्सनेंट और एक वावल, जैसा कि हमने पढ़ा है, एक कॉन्सनेंट और एक वावल मिलकर कोई लफ्ज़ बनाएंगे। पहले कॉन्सनेंट आएगा और बाद में वावल आएगा। आज हम इन कॉन्सनेंट और इन वावल को जोड़ेंगे और लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोरियन अल्फ़ाबेट को हम हंगल कहते हैं। हंगल की दो कैटेगरी हैं, एक को हम कॉन्सनेंट कहते हैं और एक को हम वावल्स कहते हैं। कॉन्सनेंट में 19 कॉन्सनेंट हैं और वावल्स में 21 वावल्स हैं। तो हमने फिर कॉन्सनेंट की कैटेगरी बेसिक कॉन्सनेंट और वावल्स की कैटेगरी स्टैंडिंग वावल, यानी खड़े वावल्स हमने पढ़े थे। तो बेसिक कॉन्सनेंट किस तरह से हैं? गियोक, नियोन, दीगत, रियल, मियम, और ये साथ साथ इनकी साउंडें पड़ी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये सारे जो है वो आते होंगे। तो ये अगले कॉन्सनेंट बियोप, ईयोंग, शियोत, जियोत। ईयंग की दोस्तों पहले दूसरी जगह पे कोई साउंड नहीं। फिर स्टैंडिंग वावल्स हमने पढ़े थे आ, आओ, या, यो, ई। तो अभी हम इनको जोड़ना सीखेंगे कि इनको हमने जोड़ना किस तरह है। उससे पहले दो तीन बातें आप दोस्तों जहन में रख लें। सबसे पहले, खड़े वावल्स हमेशा कॉन्सनेंट के साथ यानी सामने लिखे जाते हैं। इस बात का हमें पहले भी पता है जी, खड़े वावल्स हमेशा कॉन्सनेंट के साथ लिखे जाते हैं यानी सामने लिखे जाते हैं। और हमें यह भी पता है जी, एक कॉन्सनेंट और एक वावल मिलकर कोई लफ्ज़ बनाएंगे। ना तो अकेला कोई कॉन्सनेंट लफ्ज़ बना सकता है और ना ही अकेला कोई वावल्स लफ्ज़ बना सकता है। तो दूसरी बात, लफ्ज़ बनाते वक्त कॉन्सनेंट की पहली आवाज़ और वावल्स की मुकम्मल आवाज़ लेते हैं। यानी जब हमने एक कॉन्सनेंट और एक वावल को जोड़ना है, कॉन्सनेंट की पहली आवाज़ और वावल की मुकम्मल आवाज़ इस्तेमाल करनी है, तब दोस्तों इनकी आवाज़ आना, इनकी साउंड बनना शुरू हो जाएगी, लफ्ज़ बनने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद शियत, शीन किन के साथ है और सीन किन के साथ है? अभी हमने पांच स्टैंडिंग वावल पढ़े हैं जिनमें से वावल या, वावल याओ और वावल ई, इन तीनों के साथ शियत शीन की आवाज़ देगा। तो दोस्तों, अब हम इनको जोड़ना सीखेंगे। पहले गियोक, अगर तो दोस्तों लफ्ज़ एक सीधी लाइन में लिखे जा रहे हैं, जिस तरह हम इंग्लिश के लफ्ज़ लिखते हैं और लिखते ही जा रहे हैं, तब दोस्तों कॉन्सनेंट की पहली और दूसरी आवाज़ इस्तेमाल होगी। और अगर लिखते लिखते लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ आ गया है, जिस तरह से ये देखें, तो जिस तरह ये दोस्तों पहले दो लफ्ज़ लिखे हैं, इस तरह अगर सीधी लाइन में लफ्ज़ लिखते जा रहे हैं तो कॉन्सनेंट की पहली और दूसरी आवाज़ इस्तेमाल होगी। और ये देखिए, इस तरह अगर लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ आ गया, ये मियम के साथ वावल औ मौ लिखा और नीचे गियक आ गया। अब अगर नीचे कॉन्सनेंट आ जाए तो कॉन्सनेंट की हम तीसरी आवाज़ इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से, अगर लफ्ज़ स्ट्राइट लाइन में लिखे जा रहे हैं, सीधी लाइन में हम लिखते जा रहे हैं, जिस तरह हम इंग्लिश लिखते हैं, तो तब कॉन्सनेंट की पहली और दूसरी आवाज़ इस्तेमाल होगी। तो अगर लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ आ जाएंगे तो कॉन्सनेंट की तीसरी आवाज़ इस्तेमाल होगी। तो चलिए दोस्तों इनको पढ़ते हैं। मियम है, मियम की पहली साउंड मीम, वावल औ मौ। रियल, रे, वावल ई, री। मिला के पढ़ें तो मौरी, मौरी। ये फिर उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद जब लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो ये पहली जगह पे है, तो ये इसकी पहली साउंड इस्तेमाल होगी। और ये वावल है, वावल की जगह नहीं कंसीडर करते। उसके बाद दूसरा कॉन्सनेंट आया है, फिर गियक है। अब ये गियक दूसरी जगह पे है, इसकी दूसरी जगह दूसरी साउंड इस्तेमाल होगी। फिर इसके बाद अगर इसके नीचे कॉन्सनेंट आ जाता तो फिर उसकी तीसरी जगह तीसरी साउंड इस्तेमाल होनी थी। तो अब ये गियक की पहली जगह है और वावल आ पहली साउंड है इसकी, ख ख, वावल आ, खा खा। उसके बाद ये गी एक दूसरी जगह पे है तो ये गाफ इस्तेमाल होगा, ग, वावल आ, गा गा। इसको मिला के पढ़े तो बनेगा
खा गा, खा गा। और ये अब नीचे आ गया लफ्ज़, तो इसकी अब तीसरी साउंड इस्तेमाल होनी है। पहले हम ऊपर वाली को पढ़ेंगे, मीम के साथ वावल ओ, मीम की पहली साउंड मीम, वावल ओ, मौ, मौ। अब नीचे गिय का आ गया, गिय नीचे आ गया, इसकी तीसरी साउंड इस्तेमाल होनी है, कॉफ, मौक, मौक, मौक। अब दीगत, दीगत दूसरी जगह पे है तो दाल इस्तेमाल होगा, और वावल आ, दा, मौक दा, मौक दा। उसके बाद नियन है, नियन, नियन की पहली साउंड भी एन, दूसरी भी एन, तीसरी भी एन, तो ये नियन है, नियन के साथ वावल आ, तो बना ना, ना। अब फिर नीचे नियन आ गया तो इसकी तीसरी साउंड इस्तेमाल होनी है, वो भी नून यानी कि एन है, बनेगा जी नन, नन। फिर उसके बाद रियल है जी, रियल, रियल की पहली साउंड आर, दूसरी भी आर और तीसरी एल। अब ये पहली जगह पे है, रियल के साथ वावल आ बना तो रा, रा। अब नीचे रियल आ गया है तो ये इसकी तीसरी साउंड इस्तेमाल होगी, राल, राल, राल। फिर उसके बाद ईयंग है जी, ईयंग की पहली जगह पे और दूसरी जगह पे कोई साउंड नहीं है, तो तीसरी जगह पे जब आएगा तो ING यानी के अंग बोलेगा, अंग, अंग। पहली जगह पे भी कोई साउंड नहीं तो जो वावल की साउंड है वही आवाज़ देगा, जो वावल की साउंड आ, आ। फिर दूसरे वाला वो भी आ, दूसरे वाले के साथ नीचे भी कॉन्सोनेंट है तो इधर ING यानी के अंग बोलेगा, अंग, अंग। मिला के पढ़े तो आ, अंग, आ, अंग। अब नीचे शियत है, शियत सीन भी है और शीन भी है। अभी हमने पढ़ा है किसके साथ सीन है और किसके साथ शीन है, तो ये वावल आ है, इसके साथ सीन की आवाज़ देगा, और नीचे अगर आ जाए तीसरी जगह पे तो टी की आवाज़ देगा यानी ते। तो ये पहले ऊपर वाला शीत के साथ वावल आ, सा, सा। अब नीचे वाला मिलाएं तो सात, सात, सात। मजीद गहराई में जाके ये सामने अब आपके वावल कुछ कॉन्सनेंट लिखे हैं और कुछ वावल्स लिखे हैं, तो एक लफज लिखा है जी, ईयंग है, ईयंग की पहली जगह कोई साउंड नहीं, वावल आ, तो ये बना आ, आ। अब ये बीएफ है, बीएफ दूसरी जगह पे बे बोलेगा और वावल ओ, ये बना जी बो। मिला के थोड़ा पड़ा आ बो, आ बो। अब ये जीएत आ गया, जीएत वावल ई, जी, आ बो जी, आ बो जी। फिर उसके बाद ईयंग आ गया, फिर से ईयंग की पहली जगह कोई साउंड नहीं, जब लफज के नीचे आएगा तभी ING यानी के अंग बोलेगा। अब ईयंग पहली जगह पे है और वावल ओ, जो वावल की साउंड है वही बोलेगा ओ। अब मीम के साथ वावल ओ, मो, बना जी ओ मो, मिला के पढ़ा तो ओ मो। अब नियन, नियन के साथ वावल ई, ओ मोनी, ओ मोनी। फिर उसके बाद शियत, शियत वावल आ, सीन, शियत वावल आ के साथ सीन की आवाज़ देगा, सा, सा। दीगत के साथ वावल आ, सादा, सादा। रियल के साथ वावल ई, री, सादारी, सादारी। ये दोस्तों ऐसे नहीं कौन से ये लफ्ज़ जो हैं ये ऐसे नहीं लिखे, इनके मायनी है जिस तरह से आबोजी अब्बू जी को कहते हैं, ओमोनी अम्मी को कहते हैं, और ये सादारी सीरी को कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लफ्ज़ बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट और वावल का एक टेबल। हमने पढ़ा जी खड़े वावल कॉन्सोनेंट के साथ लिखे जाते हैं, तो इस तरह इधर को मैंने कॉन्सोनेंट लिखे हैं नीचे को, जो बेसिक हमने पढ़े हैं नौ कॉन्सोनेंट, और इधर को हमने स्टैंडिंग वावल पढ़े हैं जो वो इधर को लिखे हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट गियक, गियक के साथ वावल आ, जो पहली जगह पे तो खा बोलेगा, अभी हम एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको गा भी पढ़ सकते हैं। तो गियक के साथ वावल ओ, गो।
गिया के साथ वावल या गया, गया। अब ये गिया वावल यो गयो, गयो। गिया के साथ वावल ई गी, गी। अब नियन, नियन के साथ ऊपर से वावल आएगा इधर ना। नियन की पहली साउंड नून और वावल की मुकम्मल आवाज आ मिला के पढ़ा तो ना, ना। नियन वावल ओ नौ, नौ। नियन वावल या निया, निया, निया। नियन वावल यो नियो, नियो, नियो। नियन वावल ई नी, नी। सिर्फ दोस्तों एक ही बात ज़हन में रखनी है, कॉन्सोनेंट की पहली आवाज़ और वावल की मुकम्मल आवाज़ लेनी है तो साउंड बनती जाएगी। दिगत वावल आ, दिगत पहली जगह पे थ बोलता है, थ। तो अभी हम एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको दा भी पढ़ सकते हैं। दिगत वावल आ दा, दा। दिगत वावल ओ दो, दो। दिगत वावल या दिया, दिया। दिगत वावल यो दियो, दियो। दिगत वावल ई दी, दी। अब चौथे नंबर पे रियल, रियल के साथ वावल आ, रियल की पहली साउंड रे और वावल आ, र आ बना रा, रा, रा। रियल वावल ओ रो, रो। रियल वावल वावल या रिया, रिया। रियल वावल यो रियो, रियो। रियल वावल ई री, री। अब मियम, मियम के साथ वावल आ मा, मा। अब मियम के साथ वावल ओ मो, मो। मियम के साथ वावल या मिया, मिया। मियम के साथ वावल यो मियो, मियो। मियम के साथ वावल ई मी, मी। अब बीअप, बीअप के साथ वावल आ, बीअप की पहली साउंड फ है, पी एच इन के फ। अब प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको बा भी पढ़ सकते हैं, बा। बीअप वावल ओ बो, बो। बीअप वावल या बिया, बिया। बीअप वावल यो बियो, बियो। बीअप वावल ई बी, बी। उसके बाद शियत, शियत को हमने पढ़ा जी किन के साथ सीन है और किन के साथ शीन है। आ के साथ सीन है सा, सा। अब शियत वावल ओ सो, सो, सो। शियत वावल या शिया, शिया। या के साथ शीन है शिया। फिर उसके बाद शियत वावल यो शियो, शियो, शियो। फिर उसके बाद शियत वावल ई शी, ई के साथ भी शीन शी, शी। ईयंग है, ईयंग की पहली जगह पे कोई साउंड नहीं। ईयंग वावल आ, जो वावल की साउंड है वही आवाज देगा आ, आ। ईयंग वावल ओ, ओ, ओ। ईयंग वावल या, या, या। ईयंग वावल यो, यो, यो। ईयंग वावल ई, ई, ई। अब जियत है नंबर 9 पे, जियत की पहली साउंड है सी एच एन के छ, छ। प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको जी भी बोल सकते हैं, जियत वावल आ जा, जा। जियत वावल ओ जो, जो। जियत वावल या जिया, जिया। जियत वावल यो जियो, जियो। जियत वावल ई जी, जी, जी। तो दोस्तों ये है सी वी का कॉन्सनेंट, सी फॉर कॉन्सनेंट, सी वी का टेबल, सी फॉर कॉन्सनेंट और वी फॉर वावल। सी वी यानी कि कॉन्सोनेंट के सामने वावल लिखना है। तो इसको दोस्तों ए 3 से 4 मरतबा इस टेबल को लिखें तो ये सारे साउंडें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्टैंडिंग वावल्स और बेसिक कॉन्सोनेंट्स मुकम्मल किए हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अंडरनीथ वावल्स यानी लेटे वावल्स
और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सनेंट्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद किया है, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।